पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी बहुत दुखी हैं। उन्हें एक बात अंदर से खाए जा रही है। जीवन में सब कुछ मिला, खुद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और बेटे के साथ साथ समधन तक का मामला सेट कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनकी हर मांग झटक से मांग लेते हैं। एनडीए में आते ही मांझी को जेड प्लस सुरक्षा मिल गई। हाल ही में बिहार सरकार ने बीपीएससी रैंक के एक अधिकारियों को उनका आप्त सचिव भी बना दिया है, लेकिन मांझी इतने से खुश रहने वाले कहाँ हैं? मांझी को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो नहीं मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चाह है। उनकी एक पीड़ा है जो उन्हें सालती रहती है और इसका इजहार वो गाये बगाहे करते रहते हैं। उन्हें ये दर्द ना तो नीतीश कुमार और ना लालू यादव ने दिया है, बल्कि उन्हें ये दर्द ट्विटर ने दिया है। ट्विटर पर लगातार सक्रिय जीतन राम मांझी को आस है ब्लू टिक की। जी हां, बिहार के कई कद्दावर नेताओं को ट्विटर ने ब्लू टिक से नवाजा है, लेकिन इसमें मांझी पीछे रह गए हैं। ना यह दर्द वाली बात और एडी चोट का जोर लगा, लेकिन ट्विटर है कि मांझी की मांग हर बार ठुकरा दे रहा है। जीतन राम मांझी के ट्विटर प्रोफाइल पर वो सब कुछ लिखा है जिससे उन्हें ब्लू टिक मिल जाए। पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष का आधिकारिक अकाउंट लिखने के बाद भी ट्विटर उनकी नहीं सुन रहा है। 37,000 से ज्यादा फॉलोवर होने के बाद भी ट्विटर उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा है। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अपना दर्द सार्वजनिक कर दिया। जीतन राम मांझी ने ट्विटर को ही ट्वीट कर कहा कह दिया है कि मुझे ब्लू टिक दो, मगर ट्विटर भी कहां सुनने वाला है। उसने ठान लिया है कि चाहे ऐसे गैर नत्थू खैरे को ब्लू टिक दे देंगे, लेकिन जीतन राम मांझी को नहीं देंगे। जब बात नहीं बनी तो मांझी विक्टिम कार्ड भी खेल गए। ट्विटर ने जब मांझी की गुहार नहीं सुनी तो उनके समर्थक मैदान में कूद पड़े और ट्विटर को लगे गाली देने। उनके समर्थकों ने ट्विटर को जातिवाद करार दे दिया है। एक समर्थक ने यहां तक लिख दिया है कि जीतन राम मांझी अत्यंत पिछड़ी मुसहर जाति से आते हैं, इसलिए ट्विटर उनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं कर रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।